जैसा कि चैप्टर 4 में हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आगे करेंगे और डे 36 में, तो इनमें बहुत महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है ये चैप्टर 4, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे इसके न्यूमेरिकल आप समझ लोगे तो चैप्टर 5 के 6 के 7 के न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्लियर होते रहेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमें पहले किस तरह से पढ़ना है, फिर हम चैप्टरों किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो इसको भी आप जिसने रिवाइज कीजिए, पहले रिवाइज कर लें पूरे चैप्टर को, फिर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पिछली क्लास में हमने डे 35 में कर लिए थे, 2-3 न्यूमेरिकल किए थे जिसमें दूरी विस्थापन से संबंधित, चाल में इससे संबंधित बात देखी थी। वो टॉपिक वैसे तीसरे चैप्टर में भी है, यहाँ भी हमने उसका यूज किया है, तो यहाँ भी उसके न्यूमेरिकल है। इसमें हम एक न्यूमेरिकल एक दो न्यूमेरिकल और करके देखते आगे। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास कि एक कोई यात्री किसी नए शहर में आया है, कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर, स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल में जो 10 किलोमीटर दूर है उसमें जाना चाहता है। तो हमें क्या दे रखे हैं कि कोई यात्री जो है वो कोई व्यक्ति किसी शहर में गया है, स्टेशन से वो किसी होटल में जाना चाहता है और उस होटल की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। क्लियर? इसका मतलब सीधी दूरी दे रखी है, सीधी सड़क पे होटल, इसका मतलब क्या दे रखा है, विस्थापन दे रखा है। तो जैसे लाइन टू लाइन हम पढ़ते हैं वैसे लाइन टू लाइन हमें समझ में आना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है। जब क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो हमें ये भी पता चल जाना चाहिए कि किस लाइन के अंदर कौन कौन सी बातें हमें दी गई है, कौन सी कैसे हमें यूज करना है, उनका कैसे अप्लाई करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है। तो पहली बात दे दी कि 10 किलोमीटर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, सीधी सड़क पर होटल स्थित है, तो इसका मतलब घुमाया नहीं है, सीधा दे रखा है। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे होटल लेकर, अब उसको नया है शहर में तो उसको पता नहीं है, जब नए नए जाते कि शहर में तो ऐसे ही होता है, खूब चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उसको किसी टैक्सी चालक ने क्या किया है, उसको घुमा किरा के ले गया उस होटल में, क्योंकि बिल किसके हिसाब से बनेगा, किलोमीटर के हिसाब, सीधा जाएगा तो वो 10 किलोमीटर के पैसे लेगा और घुमा किरा के कितना लेके गया है, वो 23 किलोमीटर घुमा के लेके गया तो 23 किलोमीटर के पैसे लेगा, तो उसमें उसकी बचत भी ज्यादा होगी। अब क्या पूछा गया अपने को, अपने को इसमें कहा गया है कि टैक्सी की औसत चाल याद करनी है, औसत वेग का परिमाण क्या होगा, क्या ये बराबर होगा। दो बातें हमें बतानी है, क्या बतानी है कि टैक्सी की चाल बतानी है और क्या बताना है, वेग बताना है, क्या ये बराबर है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है क्या ये बराबर है, ये तो अपने को जैसे पता चल जाना चाहिए अगर कंसेप्ट क्लियर है, नहीं भी है तो भी क्या ये बराबर है, तो चाल आएगी और वेग आएगी तो देख लो, अगर उत्तर एक जैसे आएंगे तो बराबर है, नहीं आएंगे तो बराबर नहीं है। अब चाल और वेग के लिए क्या चाहिए, चाल के लिए हमें चाहिए क्या चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहां दूरी का मान क्या होता है, जितनी भी घुमा फिरा के गया सारा जोड़ना है दूरी को है। विस्थापन क्या होता है, जहां से चला है और जहां पहुंचा है उसके बीच की सीधी दूरी। तो ये दे रखा भाई सीधी सड़क पर होटल स्थित है तो सीधी दूरी है वो अपने को दे रखी है 10 किलोमीटर। और ये जो प्रोसेस हम कितने समय दे रखा अपने को इतना इसमें कि 28 मिनट में होटल में पहुंचता है वो, कितने मिनट में, 28 मिनट। समय देखो, समय दोनों में समय का अधिक राशि है, तो समय चाहे अपने चाल निकाल रहे चाहे वेग निकाले, समय तो वही है ना अपना, ये भी शॉर्ट जाते हैं तो थोड़ा समय लगता है तो थोड़ा लेते, अपने क्या पता कितना लगे, लेकिन कितना लगा है समय वो ही यूज करना है। तो यहां अपने को दूरी कितनी दे रखी है, दूरी कितनी है 23 किलोमीटर, विस्थापन कितना है। अब आपको क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा कि दूरी क्या है विस्थापन क्या है, ये तो अपने खुद को देखना है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अगर क्लियर है तो समझ में आ जाएगा।
समय कितना है, समय कितना है 28 मिनट, तो इधर भी कितना है 28 मिनट है। अब आप इसको एम केस में चेंज करके सॉल्व कर लो, जैसा समझ में आए वैसे सॉल्व कर लो, डायरेक्टली किलोमीटर प्रति मिनट में सॉल्व कर सकते हो, किलोमीटर प्रति मिनट में आंसर आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हमें निकालना है तो मीटर प्रति सेकंड में, हमेशा आप मीटर प्रति सेकंड में याद रखो, एम केस पे याद रखो, वही ज्यादा यूज हमें करना पड़ता है। तो चार बराबर क्या आएगा, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 23 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000, समय कितना है 28 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड हो गया ना, साथ ही बदल, यहां भी बदल सकते हो, ज्यादा अच्छा रहता है कि ऊपर हम बदल के बताते हैं कि हमने बदल लिया इसको, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 10 बाहर कटेगा नहीं, कितना हो गया ये 2300, और इसको 28 गुणा 6 गुणा कर लो और इसमें भाग दे दो उत्तर आ जाए, ये आप कर लो। फिर वेग निकालना है हमें, तो वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन कितना 10 किलोमीटर, तो 10 गुणा 1000 बटे 28 गुणा 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1000 पे 28 का भाग देना है। अब देखो यहां किसका भाग देना है, 2300 में 28 गुणा 6 का भाग देना है, या 1000 में 28, अलग अलग संख्या अलग अलग उत्तर, ठीक है। तो यहां से तो क्या आ जाएगा, वेग आएगा मीटर पर सेकंड में, यहां से क्या आएगी चाल आएगी मीटर पर सेकंड में, दोनों बराबर नहीं है, तो आपको ये भी बताना है क्या ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में भी, पूछ ले नहीं भी पूछे तो भी हमें इनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पता रहे, तो कंसेप्ट अब जैसे जिसने न्यूमेरिकल कर ली, मान लो उसमें थोड़ी बहुत बारीकी समझ में नहीं आई या दूरी विस्थापन नहीं पता चला, लेकिन जिसने न्यूमेरिकल कर ली है उसको डेफिनेटली पता चल गया, क्योंकि न्यूमेरिकल होंगी कब, तभी तो होंगी, उसको दोबारा डिवाइस करना पड़ा होगा, दूरी विस्थापन को समझना पड़ा होगा, और जब क्वेश्चन देख के समझ लिया कर लिया तो ये पता चल गया होगा सीधी दूरी ये होती है, घुमा फिर आगे जो होती है वो डिस्टेंस दूरी लेती है, उसको सीधी लेती है तो उसको विस्थापन बोलते हैं। जब ये बात पता चल गई तो फिर वेग और चाल पता चल गया, ये बात पता चल गई तो सारी तो परिभाषा क्लियर हो गई, दूरी विस्थापन वेग चाल संबंध क्लियर हो गए, इनके अंदर कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल क्लियर हो गए, और फिर इनका कहीं यूज है वो भी अपने को आगे समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट टॉपिक बाद में करेंगे, इसमें केवल इतना ही, इसको सोल्व करके देख लें और बाकी जो क्वेश्चन है उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लें।